बिग बॉस का वीकेंड का वार एपिसोड नवरात्रि सेलिब्रेशन और प्रतीक सहजपाल के इर्द गिर्द घूमता रहा, जिसमें सलमान खान ने प्रतीक और जय भानुशाली से उनकी भाषा और व्यवहार के लिए चेतावनी भी दी है। एपिसोड में करण पटेल, अर्जुन बिजलानी, बिग बॉस ओटीटी की नेहा भसीन और बिग बॉस 14 की निकी तंबोली जैसी हस्तियां भी दिखाई दी। वे शो में अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को सपोर्ट करने आए, लेकिन चर्चा प्रतीक और जय पर एक बहस के बाद खत्म हुई। अर्जुन और करण प्रतीक और उसके रवैये से खुश नहीं है। वहीं निक्की कहती है कि वह अकेला है और शेर की तरह खेल रहा है। इसके अलावा उन्होंने जो कुछ भी किया वह खेल का हिस्सा था। दरअसल शनिवार को वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान ने शो पर प्रतीक सहजपाल को घर में लड़ाई झगड़े और तोड़फोड़ मचाने के लिए खूब फटकार लगाई। इंटरनेट पर इसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। सलमान ने विधि पांड्या के बाथरूम में होने के बावजूद भी प्रतीक सहजपाल द्वारा दरवाजे का लॉक तोड़ने को लेकर निशाने पर लिया था। इसके बाद रविवार को नेहा भसीन और निकी तंबोली कंटेस्टेंट का सपोर्ट करने पहुंची। सलमान ने शमिता शेट्टी को सेफ बताया। उन्होंने कहा कि शमिता शेट्टी घर की एकमात्र सुरक्षित सदस्य हैं। सलमान खान ने निकी की पसंद पर कमेंट करते हुए कहा कि प्रतीक ने घर के रूल्स को फॉलो नहीं किया है। इस पर निकी ने कहा कि वह ऐसा नहीं सोचती हैं और वह प्रतीक को पसंद करती हैं। निकी ने कहा कि प्रतीक के पास शो को जीतने की काबिलियत है। इसके बाद अर्जुन बिजलानी निकी को रोकते दिखे। उन्होंने कहा कि प्रतीक अच्छा है, लेकिन उसने बहुत सारे गलत काम किए हैं। वह सभी से बहस करता है और उसने विधि के साथ जो किया वह अच्छा नहीं था। शो के इस सीजन में साहिल श्रॉफ काफी इनएक्टिव रहे और स्क्रीन पर भी वह बहुत कम नजर आए। हाल ही में बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत घर के अंदर दाखिल हुई और उन्होंने भी हिंट देते हुए कहा कि साहिल तो कहीं नहीं नजर आ रहे हैं। इस सीजन के पहले वीकेंड का वार में राखी सावंत का डर सही साबित हुआ और साहिल का सफर खत्म हो गया है। इतना ही नहीं, शो के पहले वीकेंड का वार के दूसरे दिन मंच पर नजर आई श्रीलंकाई सिंगर युहानी। शो में पहुंची युहानी का सलमान खान ने बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यह पहली बार था जब इंटरनेट सेंसेशन बन चुकी युहानी किसी इंडियन टेलीविजन शो पर नजर आई हैं। युहानी पहली बार बिग बॉस में बतौर मेहमान नजर आई। शो के दौरान सलमान टूटी फूटी सिंहला भाषा में मणि के माँ के हिते गाने को गाते भी नजर आए। नवरात्रि स्पेशल इस एपिसोड में कंटेस्टेंट ने जमकर मस्ती की। बिग बॉस 15 सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे और शनिवार और रविवार को रात 9:30 बजे कलर्स पर प्रसारित होता है। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन सोमवार को 69 साल के हो गए हैं। उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर साझा की है। हालांकि उनकी फोटो पर बेटी श्वेता बच्चन नंदा के कमेंट ने कई लोगों का ध्यान खींचा। अमिताभ ने इंस्टाग्राम पर ग्रे जॉगर्स, स्लिंग बैग और नियॉन ग्रीन शूज और जैकेट पहने खुद का एक कोलाज शेयर किया। उन्होंने फोटो को कैप्शन दिया 80वें साल की ओर बढ़ते हुए, जिस पर श्वेता ने कमेंट सेशन में उनकी उम्र सही करते हुए 69 साल लिखा। अभिनेता की पोती नव्या नवेली नंदा ने ताली बजाने वाला इमोजी शेयर किया। बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह ने कमेंट सेशन में सिने आइकॉन को गैंगस्टर कहा। अभिनेत्री भूमि पेडनेकर ने स्टार को बधाई दी और लिखा स्वैग हैप्पी बर्थडे सर। बिग बी के जन्मदिन के मौके पर उनके बंगले के बाहर फैंस उनकी एक झलक पाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बिग बी ने अपने फैंस को निराश नहीं किया। वह अपने बंगले जलसा के गेट पर आए और अपने फैंस का अभिवादन किया। व्हाइट कुर्ता पजामा पहने हमेशा की तरह शहंशाह काफी हैंडसम लग रहे थे। बिग बी के जन्मदिन के मौके पर उनके बेटे अभिषेक बच्चन अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन और बेटी आराध्या के साथ पेरिस से मुंबई वापस लौट आए हैं। तीनों को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। सिने आइकॉन ने 1959 में 7 हिंदुस्तानी से अभिनय की शुरुआत की। बाद में उन्हें दीवार, जंजीर,
शोले, डॉन, अग्निपथ और कुली जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में देखा गया। वर्क फ्रंट की बात करें तो बिग बी का शेड्यूल काफी बिजी है। वह झुंड, ब्रह्मास्त्र, मेडे, गुड बाय, ऊंचाई और नाग अश्विन की अनटाइटल्ड फिल्म में नजर आने वाले हैं। बिग बी ने सोमवार को अपने 69वें जन्मदिन पर घोषणा की कि उन्होंने एक पान मसाला ब्रांड के साथ अपना अनुबंध समाप्त कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि यह सरोगेट विज्ञापन के अंतर्गत आता है। अमिताभ के ऑफिस की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि कमला पसंद विज्ञापन प्रसारित होने के कुछ दिनों बाद श्री बच्चन ने ब्रांड से संपर्क किया और पिछले हफ्ते अनुबंध से बाहर निकल गए हैं। इस अचानक कदम की जांच करने पर यह पता चला है कि जब श्री बच्चन ब्रांड से जुड़े थे तो उन्हें पता नहीं था कि यह सरोगेट विज्ञापन के अंतर्गत आता है। अमिताभ बच्चन के एक बयान में आगे कहा गया है कि श्री बच्चन ने ब्रांड के साथ अनुबंध समाप्त कर दिया है, उन्हें अपनी समाप्ति के लिए एक पत्र लिखा है और प्रचार के लिए हासिल रकम को वापस कर दिया है। यह कदम तब आया जब मेगा स्टार से एक राष्ट्रीय तंबाकू विरोधी संगठन द्वारा पान मसाला को बढ़ावा देने वाले अभियान से खुद को वापस लेने का अनुरोध किया गया था। यह कहते हुए कि यह युवाओं को तंबाकू से मुक्ति दिलाएगा, सितंबर में बिग बी ने एक सोशल मीडिया यूजर को जवाब दिया था जिसने उनसे पूछा था कि उन्होंने ब्रांड को एंडोर्स करने का विज्ञापन क्यों चुना। सिने आइकॉन ने तब यह कहा था कि अगर कुछ लोगों को किसी उद्योग से लाभ मिल रहा है तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं इससे क्यों जुड़ रहा हूँ। अगर यह एक उद्योग है तो हमें भी इसे अपना उद्योग समझना चाहिए। अगर आप सोच सकते हैं कि मुझे यह नहीं करना चाहिए लेकिन मुझे इसके लिए भुगतान मिलता है। बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान मुंबई क्रूज पार्टी में ड्रग्स जब्त किए जाने के बाद विवादों में घिरे हुए हैं। आर्यन को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वह इस समय मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद है। शुक्रवार को कोर्ट ने आर्यन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे ने स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में याचिका दायर की है। इस पर अब बुधवार को सुनवाई होगी। सतीश मान शिंदे ने आर्यन खान की जमानत को लेकर मीडिया से बातचीत की। उनका कहना है बुधवार को 11 बजे सुनवाई होगी, क्योंकि एनसीबी ने उन्होंने बताया, उनके वकीलों ने बताया कि उनको रिप्लाई फाइल करना है। बुधवार को हम सुनवाई करेंगे, ऐसे जज साहब ने डायरेक्शन दिया है। आर्यन की जमानत याचिका पर स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगी। उसके बाद ही फैसला होगा कि आर्यन को जमानत मिलती है या उन्हें कुछ और समय जेल में रहना होगा। न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद आर्यन को आर्थर रोड जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। यहां उन्हें शुरू के 3 से 5 दिन तक क्वारंटीन सेल में रखा गया है। उसके बाद उन्हें बाकी कैदियों के साथ रखा जाएगा। हालांकि आर्यन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है, फिर भी नियम के मुताबिक उन्हें क्वारंटीन सेल में रहना होगा। आपको बता दें कि एनसीबी ने मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर रेड डालकर आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। आर्यन के साथ कई लोगों को हिरासत में लिया गया था। कई घंटों तक एनसीबी ऑफिस में पूछताछ के बाद आर्यन को गिरफ्तार कर लिया गया था। क्रूज से एनसीबी ने भारी मात्रा में ड्रग्स भी बरामद किए थे। शनिवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शाहरुख खान के ड्राइवर राजेश मिश्रा से लंबी पूछताछ की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जांच में यह खुलासा हुआ है कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और प्रतीक गाबा एक साथ आर्यन के बंगले मन्नत से गाड़ी से निकले थे। सभी एक साथ क्रूज पार्टी में पहुंचे थे। जांच में आगे की जानकारी के लिए एनसीबी ने ड्राइवर का बयान दर्ज किया है। आर्यन के ड्रग केस में अरेस्ट होने का असर उनके पिता शाहरुख खान के काम पर भी पड़ रहा है। शाहरुख खान लर्निंग ऐप बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद शाहरुख खान के बायजूस ने सभी विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। शाहरुख खान के प्री बुकिंग एड को रिलीज करने पर रोक लगा दी गई है।
आर्यन की गिरफ्तारी के बाद से सोशल मीडिया पर शाहरुख खान को ट्रोल किया जा रहा था, जिसके बाद से लोगों ने बायजूस को भी टारगेट करना शुरू कर दिया था। इस ऐप से सोशल मीडिया पर यूजर्स सवाल उठा रहे थे, जिसके बाद बायजूस ने शाहरुख खान के ऐड पर रोक लगाने का फैसला किया है। एसआरके साल 2017 से कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इस दौरान कंपनी ने काफी ग्रोथ भी की है। बता दें कि एसआरके, हुंडई, एलजी, दुबई टूरिज्म और रिलायंस जियो जैसे कई प्रमुख ब्रांडों का चेहरा है। वहीं बायजूस एक्टर के लिए सबसे बड़े स्पॉन्सरशिप डील में से एक था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 2 अक्टूबर को मुंबई में चल रही एक हाई प्रोफाइल रेव पार्टी पर रेड की थी, जिसके बाद 8 लोगों को हिरासत में लिया गया था। बाद में इन सभी से पूछताछ की गई, जिसके बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। Now, and press the bell icon. Never miss an update.